हेलो चा, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। क्या सभी अच्छे होंगे? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो बैक पेपर हुआ है आपका लास्ट ईयर 2023 का, कुछ पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो पेपर है आपका फिजिक्स का है, क्लास 12th। क्योंकि इससे पहले हम आप लोग को क्वेश्चन पेपर दे चुके हैं, हम लगातार आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर इस पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, ये जो आपका बैक पेपर 2023 में हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आप लोग के एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो आपको तुरंत देखने को मिलती रहे। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, अब चलते हैं सीधे सीधे सॉल्यूशन पर। और यहाँ आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कोई विद्युत आवेश क्यों, और सेम यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोई विद्युत आवेश क्यों निर्वात पर रखा है। तो सेम जल्दी जल्दी हम इनका सॉल्यूशन देखते चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपका का नंबर एमसीक्यू, कोई वैद्युत आवेश क्यों निर्वात में रखा है, आवेश आर दूरी पर स्थित है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपके पास पेपर होगा, तो सेकेंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा ई समानुपाती 1/r². और पेपर ऑलरेडी हम जो हमारी वेबसाइट है उस पर हमने अपलोड कर दिया है, composer.com, या फिर खाली composer सर्च करना है, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपका खा नंबर है किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंध रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ऊर्जा संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है का नंबर क्यूरी ताप पर लोह चुंबकित पदार्थ हो जाता है, कैसा हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय। अगला प्रश्न है एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक 0 से 1 होता है जब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, डब्ल्यू एल इक्वल टू होता है 1/WC। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपका फिफ्थ जो एमसीक्यू है, जब प्रकाश किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है, तो उसकी सही आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड नंबर, तरंग दैर्ध्य घट जाती है। अगला है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग आवृत्ति सर्वाधिक होती है, यानी किसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका एक्स किरणों की, यानी फर्स्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चा के बाद छा नंबर, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरी। अगला है अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, इसका हो जाएगा थर्ड नंबर ऋणात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अब यहां से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। एलसी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक लिखिए, तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2 या फिर LC। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूँ साइड में, ताकि क्वेश्चन पेपर भी इजीली यहाँ पर हम लोग देख पाए। अगला है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर, किसी फोटोन के लिए डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर है, प्रश्न है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित श्रेणी का नाम बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, लाइमन श्रेणी। क्लियर है, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपके सामने है उसको देख लेते हैं, सीजियम धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस कथन का क्या आशय है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर आपको दे रखा है 3 संधारित्र C1 C2 व C3 सीरीज में जोड़े गए हैं, इनकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो इसका जो व्यंजक हो जाएगा वो हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, संतुल्य धारिता जो होगी आपकी। नेक्स्ट आपका अगला है 7वां नंबर, इसमें आपसे कहा है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, तो सिंपल यहाँ पे आपको एक नंबर में है डेफिनेशन देनी है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/εn गुना होता है। ठीक है, अगला है 8वां नंबर, इसमें प्रश्न नंबर 8, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 उपयोग लिखिए, तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के 8 गुण लिखने हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ क्वेश्चंस इसमें आगे पीछे मिल जाएंगे, बट जब आप इसमें पेपर देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो पहले मिलते हैं उनका सॉल्यूशन आप पहले देख पा रहे होंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण, जैसे यहाँ पर 4 गुण है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन इत्यादि प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न
प्रकाश के आवर्तन के नियम, ये जो आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा 11वें नंबर पर मिलेगा, तो प्रकाश के आवर्तन का नियम लिखना है। तो प्रकाश के आवर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। प्रकाश के आवर्तन के को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो आपका है कोई जादूगर खेल दिखाते समय एन बराबर 1.47 अपवर्तनांक के कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देते हैं। द्रव का अपवर्तनांक क्या है, समझाइए। आपको प्रश्न नंबर 12 मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। तो इसका हो जाएगा द्रव का अपवर्तनांक इक्वल टू 1.47 होगा। यह द्रव जल नहीं है क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। बाकी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको कंप्लीट ले लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न है आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो ये आपके नियम लिखा हुआ है आपके सामने, प्रश्न नंबर 11। फिर अगला है बढ़ते हुए धारा परिपथ में धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरण प्रतिघात जो है, प्रश्न नंबर आपका ये जो आपको मिलेगा 14 नंबर पर मिलेगा, प्रतिवर्ती धारा परिपथ वाला प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर ग्राफ पूरा कंप्लीट बना हुआ मिल जा रहा है, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है उस पर चलते हैं आपके। ये जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, यानी दो क्वेश्चन जो है उनका आंसर हमने बीच में छोड़ रखा है। तो ये प्रश्न है आपका 13 नंबर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग 1215 एंगस्ट्रॉन्ग है, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4860 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है और इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। फिर अगला जो प्रश्न है ये आपको मिलेगा प्रश्न नंबर 17 में, यानी जो आपका सीधा आप दो माइनस करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन पेपर अगर आपके हाथ में होगा तो आप उससे मैच करते चलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक परिपथ कह रहा हूँ, पीएन डायोड दे रखा है, ठीक है। तो बायस किया गया है इनको, तो इनमें आपको बताना है कि जो बायस है वो आपको बताना है किस टाइप का। तो ये एक हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा फॉरवर्ड और दूसरा वाला हो जाएगा क्या, केनेज, ठीक है, बेसिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है जेनर डायोड का उपयोग बताते हुए इसका 2V अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। ये आपका जो प्रश्न नंबर मिलेगा ये आपको मिल जाएगा जेनर डायोड वाला, ये 17 नंबर के अथवा में मिल जाएगा। जेनर डायोड का उपयोग बताते हुए इसका फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है। तो इसका आपको पहले यहाँ पर पूरा लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वक्र देखने को मिल जाएगा। फिर अगला है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। यहाँ पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखने हैं आपने, तो ये आपके यहाँ पर सामने नियम आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो आपके उसमें है, ये 20 नंबर का अथवा है, ठीक है। तो 20 नंबर के अथवा का आंसर यहाँ पे हमने नहीं दिया है क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा वो हो सकता है लास्ट में आपको मिल जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है और उसे सिद्ध कीजिए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ढूंढा गया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये आपका प्रश्न नंबर 21 रहने वाला है, ठीक है। तो उसको आपने देख लिया। अगला प्रश्न है आपका इसमें 22वां नंबर है, प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएगा और इसका सिंपल आपने आंसर लिखना है। तो ये आंसर आपको दे रखा है। अगला जो प्रश्न है वो है 22 नंबर का अथवा हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो ये आपने यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका प्रश्न नंबर 23 रहने वाला है। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है ये अपवाह वेग, ठीक है, अपवाह वेग है और ये जो है आपका जो स्टार्टिंग में हमने कुछ क्वेश्चन आपके छोड़े थे अपवाह वेग वाला प्रश्न जो था उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ये जो आपको प्रश्न नंबर मिलेगा इसको मैं आपका बता दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर अपवाह वेग वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे इसमें एक बार पेपर में भी, ठीक है। अपवाह वेग से संबंधित जो प्रश्न था आपका एक आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे। अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध लिखना है, तो ये आपने यहाँ पर कर लेना है। इसी के बाद नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा खून से रगड़े जाने पर, तो ये जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 है, उनसे रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित आवेशित पाया गया, ठीक है।
तो ये इसका कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला है परावैद्युत किसे कहते हैं, तो ये आपका 24 नंबर का अथवा का उत्तर है, परावैद्युत किसे कहते हैं इसको आपने पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है किरचॉफ के नियम लिखने हैं, तो किरचॉफ वाला जो प्रश्न है वो आपका 27 नंबर प्रश्न, तो किरचॉफ के यहाँ पर नियम मिल जाएंगे आपको, प्रथम नियम और उसके बाद फिर द्वितीय नियम, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो संपोषी और विषमपोषी है, तो ये प्रकाश के व्यतिकरण में है, प्रश्न नंबर जो 26 है आपका संपोषी व्यतिकरण हो गया, ठीक है, और ये आपका विषमपोषी या फिर विनाशी व्यतिकरण। नेक्स्ट आपका है व्यतिकरण, आपको बताना था इसमें, तो व्यतिकरण भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर, और प्रकाश में व्यतिकरण की सत्य, ये आपका पूरा जो क्वेश्चन था ये आपका 4 नंबर का, तो 4 नंबर में अपना पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों जितने आपके बैक पेपर के क्वेश्चन थे वो सारे आपने इसमें देख लिए, एक या दो क्वेश्चन को छोड़ करके भूचुंबकत्व के तत्वों को परिभाषित कीजिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी जितने सारे लगभग मान के चलिए 70 नंबर का पेपर, 70 में से लगभग आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर प्लस पीडीएफ इनका सॉल्यूशन जो है वो आपको हमारी वेबसाइट कंबोसर.com पर मिल जाएगा। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं उससे रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो आपको इजिली मिलती रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बैक एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम।